वेलकम टू आवर चैनल कीप इट रोलिंग, दिस इज योर होस्ट अरिंदम। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्रेक फ्लूइड कैसे चेंज करना है। ठीक है, सो गाइस दिस इज द प्रोडक्ट आई एम गोना यूज, दिस इज लिक्विड मोली ब्रेक फ्लूइड .5.1। और ये .5.1 है, इसमें रिकमेंडेड .3 और .4 है। ये ग्लाइकोल बेस्ड फ्लूइड है, तो ये आप जो भी मास्टर सिलेंडर में .3 या .4 रिकमेंडेड रहेगा उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट 250 ml का कंटेनर में आता है, तो और इसका MRP जो यहाँ पर दिया हुआ है ये 431। मैं ये अमेजोन से खरीदा तो मुझे 350 रुपीज में ये मिला। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 260 डिग्रीज है जैसे कि आप देख सकते हैं, और वेट बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्रीज है जो कि बहुत अच्छा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ मेरे बाइक में, तो ये लिटरली आपका ब्रेक लीवर जो है इसको सॉफ्ट कर देता है। मेरे को ये फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। गाइस मेरे बाइक में ABS भी नहीं है, तो मैं ये फ्लूइड यूज करने के बाद अभी तक मेरा फ्रंट टायर और रियर टायर स्लिप नहीं हुआ। ठीक है, और जिसका बाइक में ये डिस्क ब्रेक है तो उस बाइक के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। और मैं ये प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हो। सो गाइस चलिए अब ब्रेक फ्लूइड चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करने के लिए सिर्फ ये चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर, एक 8 नंबर का रिंग, और ये एक जुगाड़ है, मैं इसमें एक बोतल में एक ये ऑयल पाइप है, ऑयल पाइप डाला हुआ है यहाँ पर होल करके, जो मैं ये ब्लीडर वाल्व में लगाने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे लगाने वाला हूँ। ठीक है, पहले आपको ये दोनों स्क्रू खोलना है। तो गाइस मैंने स्क्रू खोल दिया, इसको धीरे से खोलेंगे। गाइस मेक श्योर कि ये फ्लूइड कहीं भी ना गिरे, ठीक है, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होता है और आपका पेंट और ये सब भी फाइबर पार्ट्स भी आपको डैमेज कर सकता है। ये फ्लूइड आपको कहीं पर भी गिराना नहीं है। तो गाइस मैं ये साफ कर चुका हूँ ये दोनों। ठीक है, इसके नीचे एक कपड़ा रख देंगे ताकि ये फ्लूइड कहीं भी ना गिरे। ये जो ब्रेक फ्लूइड है देख सकते हो आप, येलो कलर का हो चुका है, ये थोड़ा रेडिश येलो कलर का हो चुका है, तो इसको हम निकालेंगे, इसके लिए आप ये यूज करेंगे। तो एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड गाइज, अगर आपका सिलेंडर पूरा गंदा नहीं है तो आपको पूरा फ्लूइड नहीं निकालना है, थोड़ा सा अंदर में रख दीजिए आप। ठीक है, अगर इसको पूरा निकालेंगे तो अगर जब नीचे से ब्लीड करेंगे, जब ब्लीडर वाल्व से जब आप खोल के ब्लीड करेंगे तो यहाँ से एयर जा सकता है। सो गाइज ये आपका ब्रेक कैलिपर है, और ये जो है ये ब्लीडर वाल्व है, तो इसका एक कैप रहता है ऐसे, तो कैप को हटा देंगे ऐसे। और ये 8 नंबर का रिंग जो है इसमें फंसा देंगे ऐसे। और मैंने जो आपको जुगाड़ दिखाया था ये वाला, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे ताकि ये फ्लूइड कहीं भी ना गिरे। ये फ्लूइड हाईली कोरोसिव है गाइस, आप गलती से भी ये कहीं पेंट पर मत गिराइए, अगर पेंट पर गिर जाएगा तो पेंट खराब हो सकता है आपका बाइक का। तो ये आपका हो गया, अब चलिए फ्लूइड निकालते हैं यहाँ से। तो इसके लिए आपको ये इसको पूरा खोलना नहीं है, इसको लूज कीजिए जस्ट इतना। ठीक है, हाफ
लूज कीजिए, ऊपर लीवर को पूरा दबा दीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको लीवर दबा के पूरा टाइट कर दीजिए। अब लीवर देखिए, लीवर को अभी छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ से धीरे धीरे ऑयल जाएगा, अगर ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा तो धीरे धीरे ऑयल जाएगा। देखिए अब मैं उसको फिर से टाइट कर चुका हूँ, ठीक है, तो अभी ये फिर से पंप ले लिया, तो मैं जैसे ही ये लूज करूंगा, जैसे ही मैं ये लूज करूंगा, मैंने लूज कर दिया ये, तो अभी देखिए तो कैलिपर आ रहा है, चलिए ये टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, तो अभी इसको लगा के अच्छा टाइट करके हम लिक्विड मोली ब्रेक फ्लूइड डालेंगे। ब्रेक लाइन में पुराना ब्रेक फ्लूइड अभी भी है, ठीक है, तो इसको ये जो नया ब्रेक फ्लूइड डाला उसको हम नीचे से यहाँ से ब्लीडर बल्ब से इसको फ्लश करेंगे। तो इसके लिए पहले फ्यूज खोलेंगे, पुश करेंगे ऐसे टाइट रिलीज। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा गंदा फ्लूइड जो था इसमें आ चुका है, ये कंटेनर देखिए, कंटेनर में पूरा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड आ चुका है, मतलब पूरा साफ फ्लूइड हो भर चुका है इसमें, तो इसको हम टॉप अप कर देंगे इससे। देखिए ये फुल हो चुका है, तो अभी ये है, ये साफ करके ठीक से एक साफ कपड़ा से साफ करके तो ठीक से इसको ठीक से ऐसे बैठा दीजिए। ये भी है, इसको भी थोड़ा साफ कर दीजिए ऐसे, बस ये आपका हो गया। और ये सब भी आप खोल दीजिए, और इसमें जो कैप है सो कैप को फिर से डाल दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
और ये ब्रेक फ्लूइड चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है, आपको इसके लिए कोई भी मैकेनिक के पास जाने का जरूरत नहीं है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ये वीडियो लेकर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही रिपेयरिंग और राइडिंग रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड कीप इट रोलिंग, बाय।